अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक है भाई। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नॉटिंघम। सही है। आज हम आपको एक बड़ी ज़बरदस्त जगह पे जो है वो घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, यॉर्क में। ठीक है, एक बहुत ज़बरदस्त टाउन है, बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन इससे पहले काशी भाई नीचे नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो मैं जो है वो नीचे भाग रहा हूँ और आपको लेके चलते हैं नाश्ते के सीन पे। लॉक कर लें दरवाजा सही से। और मैंने काफ़ी टाइम बाद शर्ट पहना है, ठीक है, वरना तो मैं पिछले 500 साल से जो है ना सिर्फ टी शर्ट ही पहन रहा हूँ। तो मुझे ये बताइएगा, इस दफ़ा जब मैं यूके की शॉपिंग कर रहा था तो मैंने शर्ट भी ले लिया था, तो ये बताइएगा कि शर्ट में आपका भाई कैसा लग रहा है। ठीक है, और मुझे शर्ट्स पहनने चाहिए या सिर्फ टी शर्ट्स पहननी चाहिए? सही है भाई। ये हमारे काशिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है भाई। हम तो जो है ना थोड़ा सा एडिट वेडिट करके लेट सोते हैं, तो इसीलिए जो है ना थोड़ा सा लेट उठते हैं। लेकिन काशिफ भाई जो है ना माशाल्लाह सुबह 7 बजे से जो है ना ऑन ड्यूटी होते हैं। तो आज क्या खिला रहे हैं नाश्ते में? आज देसी नाश्ता। ओए होए, देसी नाश्ता भाई। अच्छा ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है सेटअप और टी वाला नाम है, टी वाला। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग बाहर क्या बना हुआ है, चने का सालन, लोबिया और फुल देसी नाश्ते का सीन लग रहा है मुझे यहाँ पे। ये आ गया भाई हमारा नाश्ता। ठीक है, इसके अंदर पराठा है, अंडा है, सही है, कीमा मटर है जो कि आपके भाई का वन ऑफ द फेवरेट आइटम्स आप कह सकते हैं, चने का सालन है और ये हलवा है। ठीक है, फुल देसी स्टाइल के अंदर, एक थाली के स्टाइल के अंदर मिला है। और वैसे तो काशिफ भाई हम आपके हाथ का खाना खा खा के तो यार, जब आप साथ होते हैं ना हम ख्वाहिश करते हैं कि आपके हाथ का खाना मिले। लेकिन काशिफ भाई ने कहा था कल, हमारा बेसिकली प्लान था यहाँ पर आने का लेकिन कल जो है किसी वजह से रह गया, तो आज हम इसको ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। पहला आने वाला बताएं आप लोग कि किस चीज़ के साथ खाएं? चने के सालन के साथ। ठीक है, हलवा पूरी वाली थोड़ी वाइब्स आनी चाहिए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये आ गई है बात कीमे के ऊपर। जब बात आ जाए ना कीमे के ऊपर फिर बड़ा मज़ा आता है। कीमा चने से ज़्यादा टेस्टी है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिनरल वाटर्स जो है ना, एक तो हमारे यहाँ पे होती हैं, सिंपल कैप होता है, आप उसको कैप को खोल लें। इसका भी पूरा कैप भी खुल जाता है लेकिन ये है कि इसको इस तरीके से, ये देख, ऐसे भी खुल जाता है, तो आप जो है ना इसको एक अपने थर्मस टाइप का सीन के अंदर भी जो है ना आप पी सकते हैं। जिस तरह वाटर बॉटल्स नहीं होती तो इस तरह भी आप इसको पी सकते हैं। यहाँ पर कैप का जो है वो थोड़ा डिफरेंट सीन होता है, ये देख ऐसे खुल गया, अब आप इसको ऐसे भी पी सकते हैं भाई। नाश्ता तो बड़ा वीआईपी हो गया, बेहतरीन हो गया। और ये जो एक थाली थी ना ये 7 पाउंड की थी, ठीक है, इस तरह का सीन था। अच्छा भाई, मैं आज से जो डेली व्लॉगिंग है अपने मेन चैनल के ऊपर करूंगा, और BTS चैनल, मैंने मुस्तफ़ा अनी BTS एक चैनल बनाया था उसके ऊपर सोचा ये था कि डेली व्लॉगिंग करेंगे इसके ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चैनल अच्छा भी जा रहा था, ग्रो भी कर रहा था। लेकिन मैंने ये सोचा कि भजन उसके चक्कर में जो है ना ये हमारा मेन चैनल है जिसके ऊपर हमारी ज़्यादा मेहनत हुई है, तो उसको मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। मैंने सोचा डेली व्लॉगिंग का सारा सिलसिला इसी के ऊपर करेंगे, ठीक है ना। तो अब से आप लोगों ने रेगुलर बेसिस के ऊपर ये चैनल डेली बेसिस पर चेक करना है भैया। देखिए, आम तो यहाँ पे आ ही गए थे, खुबानी भी आ गई है। आ हा हा, खुबानी भी आपके जो भाई की जो है ना फेवरेट है, ठीक है। अब क्योंकि एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है तो ज़ाहिर है वो अच्छी होती है। यहाँ पे तकरीबन 2 किलो का ये जो पैकेट आप देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 7, 8, 9 पाउंड के करीब अलग अलग प्राइजेस के अंदर मिलता है। अब हम ज़रा ट्राई करते हैं, पाकिस्तान की सौगात आई है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार है यार। तो भाई ये है हमारी वो गाड़ी जो हमने रेंट पे ली हुई थी, लेकिन कुछ दिनों से हम इसमें नज़र नहीं आ रहे थे, दूसरी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे। तो काफ़ी लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि जो आपने गाड़ी ली है रेंट पे उसका क्या सीन है, उसको आप क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो खड़ी हुई थी ऐसे ही। तो आज भाई हमारा प्रोग्राम था यॉर्क जाने का। यॉर्क एक बड़ा हिस्टोरिकल सिटी है, ठीक है, और लेकिन क्योंकि हम अभी जो है ना सुबह नाश्ते के बाद जो है वो मैं एक जगह काम से चला गया था, और वो काम के बाद वापस आते आते अभी तकरीबन दोपहर के 3 बज चुके हैं, तो 3 बज चुके हैं, तो इसके हिसाब से अब जो है ना टाइम सूटेबल नहीं है कि हम यॉर्क जाएँ, आपको अच्छे से घुमा नहीं सकेंगे। तो फिर यॉर्क के बाद हमारा आज के ही दिन का प्लान था कि हम यॉर्क से वापसी में ब्रैडफोर्ड होते हुए आएंगे, जिसको मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, सही है। तो अब हम ये प्रोग्राम को चेंज करें कि यॉर्क की जगह हम ब्रैडफोर्ड जा रहे हैं, और ब्रैडफोर्ड में जाके जो है वो मिनी पाकिस्तान दिखाते हैं आपको कि भाईजान ऐसा क्या है वहां पे कि उसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। जरा हम भी देखें जाके वहां की मार्केट्स कैसी हैं, क्या खाने पीने हैं, मस्जिद कैसी हैं, सारी चीजें आपको आज घुमाते हैं ब्रैडफोर्ड। चलें भाई, ये देखें भाई, ये नेविगेशन वगैरह देखने के लिए बड़ा आसान होता है, ये जो स्टैंड होता है ना गाड़ी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और ये रेंट की गाड़ी है, इसके अंदर नहीं लगा हुआ था, जिसकी वजह से हम जब भी इसमें जाते थे ना यहाँ मोबाइल रख के देखना पड़ता था, जो कि रिस्की होता है ड्राइविंग करते वक्त भाई जान, बिल्कुल सेटअप ओके होना चाहिए। तो ये ले लिया, अभी यहाँ पे लग जाएगा ताकि आसानी हो जाएगी। 7 पाउंड का लिया ये स्टैंड।
भाई वेदर जो है ना, आज वैसे बारिश का फोरकास्ट था लेकिन अब वेदर बड़ा क्लियर है, ठीक है। और वेदर क्लियर है, मोटरवे पे हम लोग आ गए हैं हम लोग। और जब गाड़ी आ जाती है मोटरवे पे और अगर मैं ड्राइविंग सीट पे ना हूँ तो मेरे साथ एक बड़ा मसला है, फिर मैं खींचता हूँ नींद, सही है ना भाई। फिर मैं ऐसी नैप में जाता हूँ कि जब हम पहुंच जाते हैं ना कहीं पे भी, चाहे कश्मीर पहुंच रहा हूँ कराची से, फिर आग खुलती है। लेकिन अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना तो फिर मैं जबरदस्त गाड़ी चलाता हूँ। तो अब जो है वो थोड़ी सी मैं नैप लेता हूँ, इसके बाद हम आपको डायरेक्ट ब्रैडफोर्ड में ले जाके जो है ना मिलते हैं इंशाल्लाह, सही है। ये चेक करें भाई, ब्रैडफोर्ड पहुंच गए हम लोग। और ये देखें सामने गोल्फ चल रहा था, खैर वो सीन निकल गया। ये देखें यहाँ पे भी जो है वो खेत वेत लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ के घरों का जो है ना कलर थीम देखें आप, बिल्कुल एक डिफरेंट थीम के ऊपर बने हुए। वहां पे अलग कलर था, यहाँ पे अलग थीम है। हर शहर की, हर जगह की एक अपनी खूबसूरती है, ठीक है। और अब हम यहाँ की जो आपको जो है ना काफी मस्जिद जो है ना यहाँ की बड़ी फेमस है, तो हम आपको किसी एक मस्जिद में लेके चलते हैं सबसे पहले इंशाल्लाह। ये देखें भाई, ये इलाके हैं यहाँ के, बहुत खूबसूरती है भाई हर जगह की। ये देखें घर, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, बिल्कुल। और यहाँ पे घरों में थोड़ी ज्यादा स्पेस भी है, पार्किंग, गार्डन, ये वो खुले खुले घर बने हुए हैं। ब्रैडफोर्ड पहुंचने के बाद डायरेक्ट हम लोग जो है ना यहाँ की एक बड़ी मस्जिद है जामिया सुफतुल इस्लाम के नाम से, तो हम जरा यहाँ पे जाएंगे, नमाज भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और आपको अंदर अंदर भी लेके चलते हैं अपने साथ। देखिए भाई, बल्कि ये भी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है यहाँ पे, देख रहे हैं बहुत बड़ी मस्जिद है। ये देखें ब्यूटीफुल, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और देखिए यहाँ पे अभी जो है ना कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। चप्पल रखे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा खासा बड़ा वजू खाना बना हुआ है, सामने बाथरूम्स हैं, वजू करते हैं फिर अंदर दिखाते हैं आपको। ये देखें अब हम अंदर आ गए हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है। और ये तो खैर ऊपर तक बनी हुई है, ऊपर की स्टोरीज भी हैं, फिर यहाँ पे लेडीज का एरिया अलग है। बहुत प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह। भाई इस वक्त हम लोग जो है ना ग्रेट हॉटन रोड पे हैं, और यहाँ पे जो है ना काफी सारे पाकिस्तानी होटल और काफी सारी शॉप्स हैं। और ये हमारे असद भाई हैं, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक भाई। ये जो है ना ब्रैडफोर्ड में ही रहते हैं, और इन्होंने कहा था कि भाई आपने जब भी आना है ना तो बताना है, तो आज मैंने इनको मैसेज कर दिया था और ये आ गए थे। ये देखे भाई, ये चाय वाला है यहाँ पे, सही। और क्या क्या चीजें आपको हम दिखाते हैं। अच्छा बता रहे हैं कि यहाँ पे संडे बाजार भी लगता है भाई संडे को, और बड़ा बेहतरीन किस्म का बहुत बड़ा बाजार लगता है, और काफी सारे स्टॉल्स लगते हैं यहाँ पे। ये देखें भाई, पाकिस्तानी आम जो है ना इस तरह गाड़ी में भी बिकता है यहाँ पे। देखें भाई, ये यहाँ का एक वेल नोन रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है मुमताज, जिसके ऊपर हमें स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आज रात का खाना भाई आपने यहाँ पे खाना है। असद भाई बता रहे हैं और भी यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, लेकिन आप जहाँ कहेंगे वहाँ पे हम खा लेंगे। अच्छा खासा बड़ा रेस्टोरेंट है, पुराने रेस्टोरेंट के अंदर है ये। अब ये देखें सामने जो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है ना, इसके अंदर सारे अपने पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं, ठीक है। यासद भाई यही बता रहे हैं कि यहाँ पे तो जो है ना इतने पाकिस्तानी हैं कि गोरा कोई नहीं नजर आता इस इलाके के अंदर। ये चेक करें आप, अब आगे प्राइवेट प्रॉपर्टी हम जा नहीं सकते, लेकिन ये कि ये सामने जानवर भी नजर आ रहे हैं आपको। और ये देखें भाई, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। वो देखें सामने कितने सारे हैं शीप। आप लोग ये चेक करें सिर्फ कि देखें कितनी पुरानी पुरानी इमारतें हैं, सही है, इस टाउन के अंदर। लेकिन इसकी अपनी खूबसूरती है, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ब्लैक ब्लैक भी कलर हो गया है, और लेकिन खूबसूरती कितनी है, मेंटेन कितना अच्छे से किया हुआ है, सफाई सुथराई कितनी है, और कितने प्यारे लग रहे हैं ये छोटे छोटे और पुराने पुराने घर। ये कितने कितने पुराने होंगे यार, आप लोगों की सोच है। बहुत प्यारा इलाका है यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये ब्रैडफोर्ड का जो है ना, ये इस तरफ विलेज टाइप का जो सीन है पूरा। एडिंगहम नाम है भाई इस इलाके का। भजन गाड़ी से उतरा हूँ सिर्फ आप लोगों को ये एक और मंजर दिखाने के लिए। ये चेक करें आप सामने, ऐसे लग रहा है कि एक सीनरी है, मतलब ऐसे लग रहा है कि यार कोई वॉल पेपर है मेरे आगे, ये रियल नहीं है कुछ भी।
एक और बात पता चली कि ये जो इस इलाके के अंदर जैसे ही हम लोग आए, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखें बिल्कुल डिफरेंट कलर के जो है ना स्टोन्स इस्तेमाल हुए हैं, जो पत्थर है, जो ब्रिक्स हैं इस्तेमाल हुए हैं घरों की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो असद भाई बता रहे थे कि ये यॉर्कशायर स्टोन कहलाता है, ये सिर्फ इसी इलाके के अंदर होता है और बड़ा महंगा पत्थर है, और ये किसी और जगह पे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। आप लंदन देख लें, आप नॉटिंगम देख लें, कहीं पे भी देखेंगे तो वो रेड ब्रिक्स के घर बने हुए होते हैं लाल कलर के, लेकिन यहाँ का जो कलर है वो डिफरेंट है, तो उसके पीछे भी ये सीन है। देखें एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन में इजाफा, भाई गाड़ी लगा दी हमने यहाँ पे, अब हम नीचे जा रहे हैं, देखते हैं अगर खुला हुआ है ना तो नीचे चल के आपको दिखाते हैं सेटअप के क्या लेवल का सीन है यहाँ पे। ओहो हो, चेक करें आप सिर्फ सीन चेक करें, नेचर की आवाज़ें, चिड़िया की आवाज़ें, सही, और सामने पानी चल रहा है। आहा यार, ऐसी जगहों पे दिल करता है बंदा ज़िंदगी यहीं गुजार दे। ये देखें भाई, ये ब्रैडफोर्ड का जो है ना कुमराट वैली आ गया है, कितनी खामोशी है, कितना सन्नाटा है, और यहाँ पे ये लोग बैठ के कभी कभी बारबेक्यू करते हैं। आहा, अब हम आ गए हैं इस पेडेस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर, और ये देखें यहाँ से असल आप व्यू जो है वो देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कुदरत के नज़ारे हैं। और ये देखें, इस पानी के साथ ही जो है ना एक पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे, ठीक है, अब या तो ये चर्च था या कैथीड्रल था या क्या था, लेकिन ये कि पुरानी बिल्डिंग है, कुछ आसार बाकी हैं अभी भी, कुछ स्ट्रक्चर बाकी है, और ये कब्रिस्तान है इनका, ये कब्रिस्तान है। ठंड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे शाम हो रही है ना ठंड बढ़ रही है। अगर आज हम जो है ना लेट ना होते ना एक काम के चक्कर में, तो आज हमारे पास इस इलाके को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारा टाइम होता, और अंधेरे होने का कोई डर नहीं होता। वैसे भी टाइम हो रहा है तकरीबन रात के 9:15 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी रोशनी है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और जल्दी आते ना तो हम कुछ और ब्यूटीफुल स्पॉट्स हैं वो भी आपको आज दिखा सकते थे, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप लोग भी यहीं पर, मैं भी यहीं पर, इंशाल्लाह घूमते फिरते रहेंगे, दिखाते रहेंगे आप लोगों को। वापस जाने से पहले भाई ने बताया, असद भाई ने, कि ये रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ, इस रास्ते की एक अपनी खूबसूरती है, मुझे बड़ा पसंद है, और मैं अक्सर जो है ना यहाँ से मतलब आना जाना करता हूँ, इस रूट को इस्तेमाल करता हूँ। आप चेक करें, सिर्फ व्यू चेक करें आप, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जगह है यार, ये समझ लें हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं यहाँ के नॉर्दर्न एरियाज हैं, बहुत ब्यूटीफुल है माशाल्लाह। और इनका घर तो भाई जान यहाँ सिर्फ 10-15 मिनट के फासले पे, सिर्फ अब आप देखें यार कितनी ग्रीनरी, कितना ज़बरदस्त व्यू इन्जॉय करते होंगे ये माशाल्लाह। मैं सब, आप तो लकी हैं यार माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन जगह है। यहाँ के लोग इतना वॉक करना पसंद करते हैं, इतना साइकिलिंग, फिजिकल एक्टिविटीज इतना पसंद करते हैं, ये देखें हर जगह आपको मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे भी पूरा वॉक का जो है ना ट्रैक बना हुआ है, अपने डॉग्स को लेते हैं, सही है, और निकल जाते हैं, हर जगह आपको नजर आएंगे, बड़ी बड़ी एज के लोग, 80-80 साल के, 70-70 साल के लोग जो है ना साइकिल यूज़ करते हैं। अब आप इसीलिए ये लोग जो है ना हेल्दी रहते हैं, और हमारे वहाँ पे जो है ना बस लोग एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, वॉक नहीं है, इसीलिए जो है वो जल्दी एज के अंदर अनफिट भी हो जाते हैं, बीमारियाँ भी आ जाती हैं। ये देखिए कितना प्यारा मंजर है, पीछे पूरा लेक है, डक्स हैं। अच्छा देखें, ये अब जो ज़मीन आपको नज़र आ रही है ना, ये कब्रिस्तान है, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि यहाँ पे फ्यूनरल और यहाँ पे जो इस तरह के जो एक्सपेंसेस है ना इसके बहुत ज़्यादा हैं, कब्र के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, हज़ारों पाउंड्स के अंदर जो है ना ये मामला सारा चला जाता है। लेकिन ये एक बिज़नेस कम्यूनिटी ने, पाकिस्तानी बिज़नेस कम्यूनिटी ने ये जगह कब्रिस्तान के लिए वक्फ़ कर दी है, मतलब आप समझ लें कितनी महंगी जगह होगी ये पूरी बाउंड्री, लेकिन ये वक्फ़ कर दी है ताकि लोगों को जो है ना मतलब ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम ना हो, और इतने ज़्यादा पैसे समटाइम्स लोग फंस जाते हैं इस तरह के मामलों के अंदर यहाँ पे, तो ये बिल्कुल जो है उनके लिए फ्री कर दी है। मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया, अब हम आ गए नमाज़ पढ़ने के लिए, ठीक है। ये इस इलाके का नाम है कीगली, और यहाँ पर जो है वो हम नमाज़ पढ़ेंगे मगरिब। ये भी एक बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह, अंदर से आपको दिखाते हैं। चलो भैया, आप नमाज भी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की, अब वीडियो को एंड पे लाके एक काम रह जाता है, वो क्या होता है, खाना। भैया भूख लग रही है, पूरा दिन आप लोगों को घुमाया फिराया, और अब कुछ खाना तो बनता है, तो यहाँ का जो है वो अच्छा खाना खाएंगे इंशाल्लाह, और आपको भी दिखाएंगे, आप लोग भी चलें साथ रेस्टोरेंट में, इधर से दावत है, और आप लोग भी साथ खाना खाएँ, सही है भाई। हमारा जो है ना खाने का प्लान है, और हम पहले सोचा था कि मुमताज़ पे खाते हैं, लेकिन हमारे असद भाई ने रेकमेंड किया कि अकबर का जो है ना खाना ज़्यादा अच्छा है, तो अब हम जो है वो यहाँ पे पहुँच गए हैं खाना खाने के लिए, और देखते हैं ज़रा अंदर क्या सीन है। भाईजान ये खाना आ गया है, सही है, हमने ये ऑर्डर दिया था चिकन सीख कबाब, ये आ गए भाई बीफ सीख कबाब, और ये आ गए लैम चॉप, सही है, और ये भाई स्पाइसी चिप्स हैं, ठीक है,
और स्पाइसी चिप्स के ऊपर पूरा जो है ना सॉस डाला हुआ है, चिली गार्लिक टाइप का कोई सीन लग रहा है। ज़रा ये टेस्ट करके आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने में तो बड़े वीआईपी में टेस्ट में जैसे ही देख लिया। चिली गार्लिक टाइप का ही सॉस डाला है ऊपर, ऊपर स्पाइसी है। ये जो है ना चिकन सीख कबाब की बारी है। ये भाई चिकन सीख कबाब जो है वो ओके नॉर्मल एवरेज 10 out of 7। ये बीफ सीख कबाब है 10 out of 8। भाई अब जो है ना ये कढ़ाई भी आ गई है, चिकन कढ़ाई। लेकिन चिकन कढ़ाई देखने में जो है ना बड़ी वाइट वाइट टाइप की लग रही है, मसालेदार इतनी नहीं लग रही है। चले भाई टेस्ट करते हैं इसको भी, ज़रा खाते हैं। और ये गर्मा गर्म नान आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन कढ़ाई कम, चिकन का सालन ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये कि हम फ्राई करते हैं इसको। आप इसको कराची वाले भाई चिकन कढ़ाई कहेंगे आप इसको? ये नॉर्मल चिकन का सालन आप कह सकते हैं, इसको चिकन कढ़ाई नहीं कह सकते। तो ये सीन है। हाँ, अगर चिकन का सालन समझ के खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, कढ़ाई समझ के खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई ये हमारा जो है ना आज के दिन का ब्रैडफोर्ड का एक छोटा सा ट्रिप था, सही है। और इसके अंदर हम जितना मैक्सिमम कर सके ना हमने किया और आपको दिखाया। और हमारे असद भाई ने हमें यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारा वक्त दिया। असद भाई थैंक यू सो मच यार, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और खाना भी खाया हमने साथ, घूमे फिरे भी, कितनी खूबसूरत जगह आप लोगों को दिखाई यार। भाई आज का ट्रिप जो है ना काफ़ी लंबा ही हो गया और लेट नाइट हो गया, काफ़ी 1:30 बज रहा है और अभी तकरीबन भी हमें 17 मिनट बाकी हैं घर पहुंचने में। तो ये है भाईजान मोटरवे का सफ़र लेट नाइट का, देखें ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और लेकिन स्पीड लिमिट है, स्पीड लिमिट ये है कि देखें 66 miles, सही है, 60 या 70 की जो है ना माइल्स की स्पीड के ऊपर ही आपने रन करनी है गाड़ी। हालांकि रोड खुले हैं लेकिन स्पीड लिमिट और लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कैमरा वैमरे का चक्कर है भाई फुल। करें अभी रात का टाइम क्या हो रहा है, और सामने जिम चल रहा है, 24 आवर्स होते हैं यहाँ पे जिम, ठीक है। अभी देखें लड़के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं और अभी 2:45 बज रहे हैं। हम लोग खैर पहुँच गए नॉटिंघम मिस्टर एंटन के पास, अपने इलाके के पास। भाई हम लोग पहुँच गए हैं और दुनिया सारी सो गई है अभी, और हम लोग अभी पहुंचे हैं भाई यहाँ पे। ये देखें बाहर का स्ट्रीट का आपको व्यू दिखाऊं मैं। ठंड लग रही है भाई, बहुत टाइट वाली ज़बरदस्त किस्म की जो है ना ठंड है। ये देखें ये है स्ट्रीट व्यू, फुल सन्नाटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दी बड़ी टाइट है। चले भाई घर पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब एडिट करने के लिए बैठेंगे, आप लोगों के लिए वीडियो देख रहे हैं आप लोग लेट नाइट, इट्स लेट नाइट, लेकिन वीडियो एडिट करके इंशाल्लाह मैं सोऊंगा ताकि आप लोग कल सुबह देख सकें। तो भाई आज के दिन का ये सीन था, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, होपफुली आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा, क्योंकि यार माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह थी जहाँ मैं गया था। तो बस अपना यही होता है कि यार रोज़ाना कहीं ना कहीं जाएं और आपको भी अपने साथ घुमाएं, ताकि आप लोग भी नई नई जगहें देखें और आप लोग भी थोड़ा सा इन्जॉय करें। तो फिर मिलते हैं कल के एपिसोड के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप जल्दी जल्दी एडिट करके फिर फटाफट सोऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।